हाई एवरी वन इन टूडेज लेक्चर विल स्टडी पार्ट थ्री फॉर टॉपिक वन पॉइंट फाइव सो लेट्स बिगिन सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिसड यू कैन सी आज हम प्रिमेट बिहेवियर एंड फॉसिल प्रमेड्स के बारे में पढ़ेंगे प्रिमेट बिहेवियर्स में जो जेनरिक बिहेवियरियल पैटर्न जो चेंजेस आए हैं प्रमेड्स में हम उनके बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे एंड इन फॉसिल प्रमेट्स विल स्टडी अबाउट द टर्शरी एंड क्वाटरनरी फॉसल्स राइट सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल प्रमेट बिहेवियर की अगर बात करें सो so, प्रमेट uh, जो भी उनके चेंजेस आए हैं बिहेवियर्स मतलब यह है कि उन्होंने आपस में उन चीज़ों को देखते हुए सीखा है ना कि वो उसी बिहेवियर के साथ इनबॉर्न हुए थे राइट सो so, ये कुछ बिहेवियर्स है और ये बिहेवियर्स हमें कैसे पता चले बिकॉज दे आर द प्रमेट्स और uh, ह्यूमन बींग में उनमें और हम में काफ़ी डिफरेंसेज हैं सो so, उनके बिहेवियरल पैटर्न के बारे में हमें कैसे पता चला सो देआर वेरियस स्टडीज डन बाय वेरियस प्रेमेटोलॉजिस्ट जिसमें से uh, कुछ uh, जो सिग्निफिकेंट नेम्स हैं आई हैव मैंशनड आउट हेयर द फर्स्ट वन इज़ जेन गॉडल जेन गॉडल ने चिम्पांजी के ऊपर स्टडी करी थी सो इफ़ यू रिमेंबर इफ़ यू हैव सीन माई लेक्चर्स हमने थर्ड लेक्चर में भी जे एन गोडल के बारे में बात करी थी सो दिस इज़ वॉट वी टॉक्ट अबाउट वाइल्ड स्टडी इन बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी सो जे एन गॉडल ने बेसिकली चम्पांजी को स्टडी करते हुए ये बताया था दैट हाउ चम्पांजी एंड ह्यूमन बींग्स आर लाइक रिलेटेड इन वेरियस वेज इन वेरियस एक्शंस बेसिकली वैसे तो डी भी उनके ह्यूमन uh, बींग्स के और अच्छे के काफ़ी मिलते जुलते हैं बट यहाँ पे उन्होंने गॉडल ने uh, उनके बिहेवियरल पैटर्न को स्टडी किया था ऑल राइट देन देर वॉज़ अनदर नेम हु वाज डॉल नाउ ही वो ही स्टडीड इंडियन लंगूर मंकी सो वॉट ही फाइंड एड आउट ड्यूरिंग हिस् स्टडी कि मंकीज़ में कैसे एक केयर गिविंग एटीट्यूड होता है जो इंडियन लंगूर मंकीज़ है जनरली आपको ये mm, शहरों में भी ईजीली दिख जाते हैं एंड इफ़ यू आर लाइक एबल टू सी कि ये कैसे अपने बच्चों का काफ़ी ख्याल रखते हैं दे आर लाइक वेरी पैम्परिंग टू वर्ड्स द किड्स राइट तो अगर आप बिहेवियर कभी ऑब्जर्व uh, करना चाहें तो यू कैन ईजिली सी दैट इन एंड अराउंड योर सेल्फ राइट देन बात करते हैं जॉर्ज सैक्लर की जॉर्ज सैक्लर ने माउंटेन गोरेज के ऊपर स्टडी करी थी और उन्होंने माउंटेन गोरेज गोरेज एज वी नो लाइक दे आर लाइक वेरी जेंटल क्रिएचर तो उन्होंने गुरेलाज पर और भी ज़्यादा स्टडी करके बताया दे आर लाइक मोर जेंटलियर एंड मोर कॉपरेटिव एंड फ्रेंडली देन वॉट वी थिंक और और भी सारी उन्होंने स्टडीज़ की थी गोरेला के ऊपर की लाइक हाउ द लीडरशिप क्वालिटीज़ इन गोरेलाज़ इवोल्व एंड ऑल द थिंग्स राइट देन अदर इज अनदर फेमस नेम दैट इज सी आर सीआर सी आर ने गिबॉन एंड हॉलर मंकी के ऊपर स्टडी की थी एंड बेसिकली सी आर को ये पूरा का पूरा श्रेय जाता है जो प्रिमिट फील्ड स्टडीज़ की शुरुआत थी ये सी आर ने ही की थी लाइक ऑल दीज प्रटोलॉजिस्ट इन्होंने बेसिकली प्रेमेट्स uh, के साथ बहुत एक अच्छा खासा टाइम फ्रेम एक समय बिताया है उसके बाद उन्होंने ये स्टडीज फाइंडिंग्स दी है इट्स नॉट बेस्ड अपॉन एनी लाइक सेकेंडरी डेटा और एनी थिंग एल्स राइट जेन गॉडल की आपने पिक्चर में भी देखा दैट शी इज़ लाइक सिटिंग अलॉन्ग विद ए चिंपांजी शी इज़ ऑब्जर्विंग देम वेरी क्लोजली राइट सो सीआर कारपेंटर ने इस चीज़ की शुरुआत करी थी और इन्होंने हॉलिंग मंकी के सोशल रिलेशंस उनके बिहेवियर इन सब सारी चीज़ों पे स्टडी करी थी ओके सो अब इन स्टडीज़ से हमें जो कुछ मोटी मोटी बातें हैं वो क्या पता चली अगर आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन uh, पूछ लिया जाए लाइक व्हाट आर द प्रिमेट्स बिहेवियर्स तो आप उसको चार पांच पॉइंट्स में समराइज़ uh, करके लिख सकते हैं सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज़ ग्रुप लिविंग प्रिमेट्स दे जनरली प्रेफर लिविंग इन ग्रुप स्पेशली वो प्रिमेट्स जो डायरिनल होते हैं यानी कि जो दिन में जागते हैं और रात में सोते हैं बिकॉज दिन में और भी बहुत सारे जानवर होते हैं जिनसे उनको अपने आप को बचाना होता है वो जंगल में रहते हैं तो इट्स नॉट लाइक ईजी एज लिविंग इन अ हाउस इन अ सोसाइटी उनको काफ़ी कुछ मैनेज करना पड़ता है इसीलिए जनरली जो डायरनल होते हैं आई एम नॉट सेइंग कि जो नॉक्टर्नल होते हैं वो ग्रुप में नहीं लेते लेकिन जनरली ये जो बिहेवियर पैटर्न है ये डायरोनल ग्रुप में ज़्यादा देखा गया है और इसका एक एग्जाम्पल आप मैंशन कर सकते हैं लाइक बबूंस हाउ दे लिव विद इन अ ग्रुप ड्यूरिंग द इंटायर लाइफ टाइम और उनकी एक अपनी सोशल uh, यूनिट होती है वेरस चिंपांजी जो होता है वो uh, काफ़ी अदला बदली करता रहता है चिंपांजी की कोई एक अपनी सोशल यूनिट नहीं होती है इट कीप्स ऑन लाइक एवर चेंजिंग मस्त मोहला टाइप्स आप बोल सकते हैं देन सेकेंड इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स कम्युनिकेशन यानी कि उनकी बॉडी मूवमेंट वोकलाइजेशन और जैसा आपने ये भी हम बार बार पढ़ते आए हैं लाइक कैसे स्मेलिंग कैपेसिटी जो है वो प्रिमेट्स में धीरे धीरे इवॉल्व हुई और पहले वो कितनी ज़्यादा होती थी धीरे धीरे विजन की ज़्यादा एडवांसमेंट होती गई लेकिन ये जो ऑल फैक्ट्री सिग्नल्स है इसको भी बहुत हेल्प में लाया जाता था वेल कम्युनिकेटिंग और फेशियल गेस्टर्स वगैरह होते हैं इससे वो अपने भाव को व्यक्त करते हैं ऑल राइट फिजिकल एग्रेशन शो करना हुआ तो दे ऑल शो इट यूजिंग देयर बॉडी पॉस्चर्स एंड गेस्चर्स देन डोमिनेंस एंड हायरार्की की अगर बात करें तो डोमिनेंस और हायरार्की भी प्रिमेट्स में देखा जाता है सो so, बेसिकली अगर आप चिंपांजी का ही एग्जाम्पल लें तो चिंपांजी में अगर मान लीजिए एक कोई पर्टिकुलर फ्रूट को लेके आपस में कुछ आ, उनके आ, फ्यूड हो रखा है लाइक कौन उस फ्रूट को लेगा पहले तो उसमें से जो चिम्पांजी जो ज़्यादा आप बोल सकते हैं कि लीडरशिप हायरकी में ऊपर है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी रादर देन कि वो जो उससे सबॉर्डिनेट है ऑल right. तो ये उनमें भी एक टाइप की ऐसी ग्रुपिंग्स में लीडर्स और डोमिनेंस ये सारी चीज़ें प्रिवेल करती हैं देन डिपेंडेंसी या डेवलपमेंट की बात करें तो इन्फेंट मंकीज मोस्टली आप अगर देखेंगे तो वो अपने माँ के केयर में बहुत ज़्यादा रहते हैं और हमने अभी भी एग्जाम्पल भी पढ़ा था लाइक हाउ इंडियन लंगूर मंकीज़ आर सो मच लाइक केयर गिवर्स टू देयर इन्फेंट्स राइट देन ट्रेनिंग्स एंड लर्निंग्स की बात करें तो ये आपस में सोशल ग्रुप में भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं बेसिकली आप टर्माइट फिशिंग के बारे में अगर आपने सुना होगा टर्माइट फिशिंग इज बेसिकली uh, जब चिम्पैनजी टर्माइट्स uh, को एक uh, घास के टुकड़े से हटाता है लाइक एज यू कैन सी आउट हेयर ठीक है ये पिक्चर काफ़ी क्लियर है इसमें आप देख सकते हैं दैट दिस चिम्पैनजी इज़ लाइक एलिमिनेटिंग द टर्माइट माउंट्स देन सेक्शुअल बिहेवियर की अगर बात करें तो ये भी अलग अलग प्रिमेज में अलग अलग तरीके के होते हैं लाइक गिबॉन्स देर मोनाकमस मतलब उनकी एक ही सेक्स पार्टनर होते हैं बट इन केस ऑफ चिम्पाजीज दे आर प्रोमिसक्यूअस मतलब उनके सेक्स पार्टनर्स चेंज होते रहते हैं अगेन चिम्पांजी ग्रुप अपने सोशल बिहेवियर में भी ऐसे ही पैटर्न शो करते थे लाइक मस्त मॉलर टाइप एंड हेयर ऑल्सो ड्यूरिंग द सेक्शुअल रिलेशन उनका वैसा ही बिहेवियर है ऑल राइट सो ये आपके छः पॉइंट्स हैं जो आपके प्रिमेट बिहेवियर को समराइज़ करते हैं ऑलराइट नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर दैट इज टर्शरी एंड क्वार्टनरी फॉसल प्रिमेट्स सो बेसिकली इस पर्टिकुलर सेक्शन को स्टार्ट करने से पहले आई वॉन्टेड टू टेल यू कि जिन लोगों की जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में अच्छे से क्लैरिटी नहीं है उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज एवरी नाउ एंड देन वी आर गोइंग टू रेफर टू द जियोलॉजिकल टाइम स्केल बिकॉज यहाँ पे टर्शरी और क्वाटनरी फॉस्टल प्रिमेज टर्शरी और क्वार्टनरी जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे है हम उसकी बात कर रहे हैं सो बेसिकली आपको उसके बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी होना ज़रूरी है देन ओनली यू विल बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड दिस पर्टिकुलर सेक्शन क्लियरली बट एनी वेज विल एवरी and then देन रेफर टू दैट तो आप इस लेक्चर को ध्यान से देखें और कुछ भी समझ में ना आए देन यू कैन ऑलवेज रेफर टू द लेक्चर्स एंड द नोट्स राइट सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बैकग्राउंड की बात करें जो प्रीमेट्स है प्रीमेट्स दे हैव इवॉल्व लाइक मोर देन लाइक मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो राइट सो अप्रोक्सीमेटली कहा जाता है लाइक सिक्सटी फाइव मिलियंस अगो दे फर्स्ट ऑन अर्थ ऑल राइट सो ये जो सिक्स फाइव ईयर्स था दैट वॉज द टाइम ऑफ सेंजोजॉइक एरा सेंजॉइक एरा ओके सेंजॉइक एरा जो था वो सात अपूच्स में डिवाइड किया है अब ये एरा क्या है अपूच क्या है डोंट विल नो अबाउट दैट सो बेसिकली ये जो सेंजॉइक एरा था उसी टाइम पर प्रिमेट्स क्यों धरती पर आए बेसिकली उस टाइम पर कंड्यूसिव इन्वायरमेंट बनना शुरू हुआ द क्लाइमेट वॉज काइंड ऑफ एंड ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल और ऐसे टाइप ऑफ क्लाइमेट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए काफ़ी फेवरेबल होते हैं एंड दैट इज़ वाई द प्रिमेट स्टार्टेड इवाल्विंग दियूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम दट्स द बेसिक अंडरस्टैंडिंग राइट और सेंजॉइक एरा के बाद मेजिटॉइक एरा आया जिसके दौरान वर्ल्ड वाइड एक्सटेंशन हुआ था और इस एक्सटेंशन में ही डाइनासॉर्स भी uh, पूरी तरह से एलिमिनेट हो गए थे और राइट right. सो so बेसिकली ये जो सिंज एरा है हमें उसी के बारे में पढ़ना है क्योंकि इसी सीजॉइक एरा को हम दो पीरियड्स में डिवाइड करते हैं दैट इज टर्शरी एंड क्वार्टरनरी और उसी टर्शरी और क्वार्टररी के अंदर जो जो फॉसल्स आते हैं हमें उनके बारे में पढ़ना है सो so बेसिकली अभी जो हमने बात करी है जियोलॉजिकल टाइम स्केल की तो अगर मैं आपको इसकी थोड़ी सी ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग दे दूँ सो so सबसे पहले जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल होता है इसमें सबसे बड़ा होता है इोन योन के बाद आता है एरा एरा के बाद आता है पीरियड पीरियड के बाद आता है इपूच एंड देन एजेस चूँकि ये एक जूमड आउट वर्जन मैंने यहाँ पे लगाया है इसीलिए आपको ये पूरा का पूरा जियोलॉजिकल टाइम स्केल इस पर नहीं दिख रहा है सो so हमें वो पूरा अभी जानना भी नहीं है फॉर द एंथ्रोपोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू जोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से जानना दैट इज़ अनदर थिंग बस हमें अभी एंथ्रोपोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वी हैव टू बी कंसर्न विद दिस पार्ट ओनली और ये जो सिंजॉइक एरा है सिंजॉइक एरा को जो हमने दो पीरियड्स में डिवाइड किया है एंड इन द नेक्स्ट slide विल we'll सी कि इन पीरियड्स को हम अपूथ्स में डिवाइड करते हैं और right हमने यहाँ पे बात करी कि सेंजॉइक एरा के अंदर सेवन अपूट्स है तो विल सी ये सेवन अपूट्स क्या क्या है एंड ऑल्सो यू कैन सी ब्रीफली आउट हेयर कि ह्यूमन एवोल्यूशन कहाँ से हुआ एक्सटेंशन ऑफ डायनासोर्स कहाँ से हुए ये सारी चीज़ें यहाँ पे ब्रीफली मैंशन भी की गई हैं और राइट सो अभी हम बात करते हैं कि जो इपूट्स हैं टर्शरी के फाइव अपूट्स हैं एज यू कैन सी ये टर्शरी है यहाँ पे और ये क्वार्टनरी है टर्शरी के फाइव अपुट्स हैं एंड देन आपके क्वार्टनरी के टू एपुट्स हैं दिस यू कैन सी आउट हेयर इन दिस मच कॉम्प्रिहेंसीबल डाइग्राम सो क्वार्टनरी की अगर हम बात करें यहाँ के दो इपुट्स हैं हॉलोसिन एंड पेलियोस्टोसिन राइट और जब हम बात कर रहे हैं टर्शरी के तो इनके फाइव इपुट्स हैं पेलियोसिन एकोसिन ऑलिजोसिन मायोसिन एंड प्लियोसिन राइट आप यहाँ पे देखिए मायोसिन ओलिगोसिनोसिन एंड पेलियोसिन राइट ये है यहाँ पे आई होप लाइक टिल नाउ इट्स लाइक मोर क्लियर टू यू कि हमने एराको फिर पीरियड में देन इपूज में अभी डिवाइड किया है और राइट right? ये जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है ये मैं जूम्ड आउट वर्जन ही ले रही हूँ जिसकी हमें ज़रूरत है हम उसकी उतनी ही बात करेंगे और राइट नाउ नेक्स्ट मूविंग ऑन टू ये जो ट्रांजिशन हुआ हम इस ट्रांजिशन की अगर बात कर रहे हैं तो इस ट्रांजिशन को हमें समझने के लिए ये भी समझना होगा कि इस ट्रांजिशन से पहले और क्या क्या चीज़ें हुई थी बेसिकली हमें कंसर्न तो बस इस क्वार्टनरी और टर्शनरी टर्शनी uh, से है लेकिन उसके पहले भी बहुत सारी चीज़ें होंगी और राइट right? सो so, सबसे जो अर्लीस्ट प्रमेट बात करते हैं दैट वॉज पूरा इट वॉज़ अ स्मॉल मैमल दैट लिव्ड ऑन डाइट फूड एंड इंसेक्ट्स वॉज अ ट्री ड्वेलर एंड इट इवॉल्व फ्राम इंसेक्टिवोर स्टॉक बिफोर और ड्यूरिंग द क्रटिशियस पीरियड अब आप बोलेंगे कि ये क्रटिशियस पीरियड कौन सा है सो क्रिटिशियस पीरियड आपके इस um, सेंजॉयक से काफ़ी पहले की हम बात कर करें ह्योर इट इज़ क्रिटिशियस ओके क्रिटिशियस एक अलग ही एरा में आता है या मेजोजोइक एरा में आता है सो दिस इज जस्ट फॉर द रेफरेंस डोंट वरी आपको इसको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है दिस आई एम जस्ट टेलिंग यू जस्ट टू कंटू द कंटिन्यूएशन ऑफ़ द थिंग्स ताकि आपको ये ना लगे कि उसके पहले क्या हुआ था अचानक से कैसे चीज़ें आ गई ओके सो ये ट्रांजेक्शन हुआ था विद दिस अर्लीएस्ट पीमेड और राइट और ये रहा आपका क्रिटिशियस यहाँ पे देन इस ट्रांजेक्शन से फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते देर वॉज अनदर एवोल्यूशन दैट वॉज एल्टियास ओके ये एल्टिया टिलीशियस दैट वॉज फिफ्टी सेवन टू फिफ्टी सिक्स मिलियंस ईयर अगो एंड दिस इज नोन टू बी वन ऑफ द थ्रू प्रिमेड्स नाउ हम अगर प्रेजेंट डे की बात करें तो प्रेजेंट डे एज वी डिस्कस्ड इन द बिगनिंग ऑफ दिस लेक्चर इट सेल्फ कि मेजडोइ एरा में एक ग्रेट एक्सटेंशन हुआ था जिसमें डायनासॉर्स भी धरती से पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गए थे और उसके बाद ही जो आज की प्रेजेंट डे पॉपुलेशन है ये इनका धीरे धीरे एवोल्यूशन शुरू हुआ ऑल राइट right. और इस एवोल्यूशन के दौरान हमने एवोल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि हाउ डिफरेंट काइंड ऑफ एन एवोल्यूशन टू प्लेस इन दी प्रिमेड्स विच लेड टू डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस ऑल राइट सो so, उनमें चेंजेस में एरबोरियल थ्योरी एक है एरबोरियल थ्योरी बेसिकली और कुछ नहीं वो ये कहती है कि कैसे आ, प्रिमेट्स ने एरबोलियर लाइफ स्टाइल अडाप्ट करी और राइट एरबोरियल लाइफ स्टाइल यानी कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ जाना ब्रांचिएशन एंड दैट क्लिनजिंग एंड ऑल दोज थिंग्स और राइट तो वो धीरे धीरे एवोल्यूशन के दौरान ही हुआ और ये एवोल्यूशन भी साथ साथ चल रहा है और ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल भी चल रहा है आई होप यू आर एबल टू विजुअलाइज इन दिस योर माइंड कि अभी जो हम बात कर रहे हैं जियोलॉजिकल टाइम्स के लिए टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं एंड एवोल्यूशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है और दोनों साथ साथ चल रहा है right. अब ये जो चेंजेस हो रहे हैं धीरे धीरे ये चेंजेस समय के अनुसार आप बोलते हैं ना समय बहुत बलवान होता है समय के अनुसार सब कुछ बदल जाता है सेम थिंग इज हैिंग आउटर इसी चेंजेस की वजह से धीरे धीरे समय के साथ साथ उनकी विजुअल प्रडेशन हाइपोथेसिस जिस बेसिकली एक फैंसी सा नाम है जिसमें वो बोल रहा है कि स्मेल के ऊपर आपकी आईसाइट ज़्यादा केपेबल हो गई और राइट right, हमने इसके बारे में भी पढ़ा हुआ है और इसी की वजह से वो इंसेक्ट्स को मारने में एज वी हैव सीन ऑलरेडी कि कैसे चिंपांजी ने टर्माइट माउंट्स को डिस्ट्रॉय करके वो वो इंसेक्ट्स को खा जाते हैं और सो बेसिकली ये सारी चीज़ें धीरे धीरे इवॉल्व हुई ऐसा नहीं था कि ये सब कुछ पहले से उनको आता था ऑप्रमेड्स को और आज के लाइफ में वो धीरे धीरे ढलते चले गए ऐसा कुछ नहीं था ये चीज़ें सीखी गई समय के अनुसार और राइट right. जैसे ग्रास्पिंग ऑफ हैंड इवन जो आपके डेंटेशन uh, थे ये सारी चीज़ें एवोल्यूशन के दौरान ही आई और ये एवोल्यूशन सारे के सारे सिंजॉइक एरा में ही क्यों आए बेसिकली हम बात कर रहे हैं सेंजॉइक एरा की बिकॉज वी आर टॉकिंग ना कि हम मेजोजॉइक की बात कर रहे हैं मेजोजॉइक में है एक्सटेंशन ऑफ डायनासोर हुआ सेंजॉइक में जहाँ टर्शरी और कॉटनरी की अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ही बेसिकली आपके प्रमेड्स के एवोल्यूशन हुए तो ये सेंजॉइक एरा में ही क्यों हुआ है बेसिकली सेंजॉइक में इसलिए हुए कि उस टाइम पर जो इन्वायरमेंट था हमने पढ़ा भी था इन्वायरमेंट कैसा था ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल था और उसकी वजह से बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स इंसेक्ट्स और अलग अलग तरीके की चीज़ें Uh, पृथ्वी में uh, पाई जाने लगी और जिसकी वजह से जो प्रिमेट्स थे बेसिकली वो ओमनी थे और उनकी जो डाइट थी वो इन्हीं सारी चीज़ों से पूरी होती थी एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस प्रोलिफ्रिएशन उनको डाइट में अपने खाना भी मिलता गया और खाना मिलेगा तो जाहिर सी बात है चीज़ें और आगे बढ़ेंगी राइट बिकॉज दैट इज़ द बेसिक नीड फॉर देम उन्हें ऐसा तो है नहीं कि एम में जॉब चाहिए और कुछ भी है उनके लिए तो बेसिक खाना और रहना दैट वॉज द रिक्वायरमेंट और वो उनको ईजिली अवेलेबल हो रहा था एंड दैट इज़ वाई दिस ट्रांजेसन टू प्लेस आई होप ये बैकग्राउंड पूरी तरह से अब आप समझ गए हैं एंड नाउ विल सी कि अब कैसे टर्शरी फॉसिल प्रिमेट्स वो कौन थे और कौन से अपूज के दौरान क्या क्या एवोल्यूशंस हुए और अपूच को भी हम बार बार रेफ़र करते रहेंगे सो दैट यू विल बी एबल टू ग्रासपिट प्रॉपरली और राइट सो हम अगर टर्शली फॉसिल प्रमेट्स की बात करें तो टर्शली फॉसिल प्रमेट्स में आपने यही बताया गया कि कैसे धीरे धीरे इन एवोल्यूशन और चेंजेस के दौरान अलग अलग अपूचज़ में अलग अलग टाइप के चेंजेस आए फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू सी की जो फर्स्ट डेंटेशन है यानी कि uh, जो दांत की बनावट है उसमें जो चेंजेस आने लगे वो पेलियोसिन में पहली बार देखे गए थे लेकिन वो ईयो तक आते आते अच्छी तरह से डेवलप हो गए अब ये पेलियो सीन कहाँ है और ईयोसिन कहाँ है लेट्स चेक इट आउट सी पेलियो वो बोल रहे हैं कि डेंटेशन यहाँ से धीरे धीरे आपको uh, देखना शुरू हो गए थे और अर्लियर प्रीमेड एज यू कैन सी यहाँ से शुरू हुए थे उसके बाद इको सीन आया तो इकोसीन सीन में जाके वो पूरी तरह से डेवलप हो पाए अच्छी तरीके से डेवलप हो पाए इन दी इको सीन अपोच और राइट और इसी इको सीन के दौरान ही आपके अलग अलग प्रिमेज वैसे आपको इनके सारे नाम याद करने की जरूरत है नहीं बिकॉज यूपीएससी जनरली गो डजेंट गो लाइक मच डीपर बट यू नेवर नो कि क्या पूछा जाए आपको एनरिच करना है अपने आंसर्स तो आप इन सारे नेम्स को याद रख सकते हैं तो इको सीन्स के दौरान जो कुछ कुछ न, आपके प्रिमेट्स थे उनके आप नाम याद कर ले बेसिकली मैंने यहाँ हाईलाइट कर रखा है लाइक like, टारशी डी दी, टारशी डीज बेसिकली आपके टारशियर्स के एंसेस्टर्स थे और ये आपको वेस्टर्न यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका में मिलते थे तो अगर आप एग्जामिनेशन में चाहे तो यू कैन लाइक लोकेटेड यूजिंग द वर्ल्ड मैप दैट वुड बी रियली गुड देन एदापीडिया जो थे ये लिमूर और लॉरसिस के एंसेस्टर्स थे एंड रिमेंबर ये लिमूर लॉरिस एंड ऑल दिस टारशियर्स दीज और आर प्रोमिशियम्स राइट हमने पार्ट में डिवाइड किया था ना प्रिमेट्स को प्रोमेशियम्स एंड एंड्रोपोइट्स सो ये प्रोमेशियम्स के हैं एज यू कैन सी इको सीन में प्रोमेशियम्स फ्लॉरिश कर रहे थे एंड प्रोमेशियम्स के अंदर ही ये सारे टारशिडी एडिपेडाई एंड एमोमा एमोमाइडिया आते हैं सारे के सारे ओके okay? तो ये सारे आप इकोन इकोसैन uh, अपूच के अंदर आते हैं सो so, हमने अभी पहलीओ सीन देख लिया हमने इकोसिन इपूच देख लिया और राइट right? कोई कन्फ्यूजन नहीं यहाँ तक यू कैन रेफर टू दिस ऑल राइट सो आगे अगर हम ऑलिगोसिन उल, uh, में अब जाते हैं तो ओलिगोसीन में बेसिकली द सेपरेशन ऑफ मोर प्रमेटिव प्रिमेट्स मोर प्रमेटिव कौन से लिमूर लॉरिस टार्शियर्स एंड देयर एनसेस्टर्स सी बेसिकली आपको ये चैप्टर समझने के लिए पहले वाला चैप्टर्स अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए अगर उसको समझ में आ गया तो आपको यहाँ पे भी आप रिलेट कर पाएंगे बेसिकली हम यहाँ पे प्रोमिशियम्स की बात कर रहे हैं ऑलराइट राइट right. उसके अंदर आपके लिमूर लॉरिशियस टैलशियर्स यही सारे लोग आते हैं तो अब आप बेसिकली आपके ऑल इग से यहाँ पे एक डिविज़न शुरू हो गया जिसमें एक तरफ मोर प्रमेटिव प्रिमेड्स थे और दूसरी तरफ एडवांस मंकीज एब्स एंड ह्यूमस थे और राइट right. हमने क्लैडोग्राम में भी आ, आ, लास्ट लेक्चर में देखा हुआ था दैट हाउ एब्स मंकीज़ एंड ह्यूमन इवॉल्व फ्रॉम दी प्रमेटिव प्रिमेड्स आगे चल के वो कैसे डाइवर्जेंस हो गया था वी हैव सीन ऑल दोज थिंग्स और राइट सो ये जो ओलिगोसिन एपूच है इसमें ये सारा डिविजन हुआ एज यू कैन सी ये ओलिगोसिन है हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहे लाइक like, एलिगोसिन में मंकीज एप एंड अदर मैमल्स फैमिलीज इवॉल्व ऑल राइट नाउ सम्रिमेट्स ग्रुप अबैंडन द लोकोमोटर पैटर्न ऑफ वर्टिकल क्लेंचिंग एंड लीपिंग फॉर क्वाटर अब सी हमने uh, ये भी बात करी थी जैसे क्लिंजिंग था एंड देन लीपिंग ये सारी uh, जो प्रीमेट की मूवमेंट uh, वाली एक्टिविटीज़ थी अब धीरे धीरे क्वाडरपेडलिज्म की तरफ यानी कि चार पाँव पे चलने वाले uh, प्रवृत्ति की तरफ वो बढ़ती जा रही थी एंड दिस वॉज ड्यूरिंग द ऑलिगो सीन पीरियड और राइट अब ऑलिगो सीन में और क्या क्या डेवलपमेंट हुई थी अदर डेवलपमेंट इंक्लूड द इमरजेंस ऑफ कैटी हेराइन्स कैटी हेराइन्स हमने ओल्ड वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड मंकी के बारे में बात की है ये सारे डिविजन्स आपके ऑलिगो सीन के दौरान ही हुए हैं यू कैन सी आउट हेयर और राइट देन मायोसिन में आते आते दे वॉज सिवापेथिकास फॉर्म कंसिडर टू बी द डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ अर एंगटोन अब मायोसिन तक आते आते और भी जो मतलब प्रिमेज थे उनमें एवोल्यूशन हुआ एंड दे स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द प्रेजेंट होमो सेपियंस अब सिवापिथिकस ऑस्ट्रैलोपिथिकस आपको ऐसे काफ़ी सारे नाम सुनने को मिलेंगे हो सकता है इस लेक्चर में तो ये आगे के चैप्टर में आपको पूरी डिटेल में पढ़ना है तो डोंट वरी अबाउट दैट अभी के लिए आप याद रख लें कि सिवापिथिक्स वॉज इवॉल्व ड्यूरिंग द माओसीन अपोच और राइट एंड देन ड्रायोपिथिकस दे आर ऑल्सो द डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ गोरेज टिपैंजीज ह्यूमन एंड अपियर्ड इन पार्ट ऑफ अफ्रीका एंड यूरेशिया राइट यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं हम अभी तक मायोसिन तक देख चुके हैं देन uh, जो हम बात कर रहे थे न्यू वर्ल्ड एंड ओल्ड वर्ल्ड मंकीज की ये आप uh, इसी वर्ल्ड मैप की हेल्प से आप प्रेजेंट कर सकते हैं दैट वुड बी लाइक बेटर प्रेजेंटेबल टू यू ओके नाउ अगर हम बात करें आगे के बारे में लाइक मायोसिन से अब हम आगे बढ़ते हैं हियर यू कैन सी मायोसिन से हम पायलोसिन की तरफ बढ़ते हैं तो मायोसिन से अगर हम पायलोसिन की तरफ बढ़ेंगे तो यू विल सी दैट न्यू नियर ह्यूमन स्पीसीज एंड अदर नियर मॉडर्न मैमल स्टार्टेड एड ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम और यहाँ से यहाँ तक सो so, यहाँ से यहाँ तक में आपके बहुत सारे ऐसे स्पीसीज थे यू कैन रिमेंबर द नेम इफ़ यू वॉन्टेड टू और आप ये नेम मैंशन भी करेंगे दैट वुड बी रियली गुड बट नो ट फॉसल ट्रेसेबल टू द लीनियज ऑफ मॉडर्न एप्स आर नोन एंड ओनली मेजर इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट फॉर मंकी फैमिली सी ऑल दो आपके uh, जो मायोसिन और प्लेोसिन है यहाँ पे आपके एवोल्यूशन नियर ह्यूमनॉइड के शुरू हो गए थे बट उनके बहुत सारे फॉसल्स अवेलेबल नहीं है इसलिए हमारे पास बहुत ज़्यादा इफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है बट देयर आर सम फॉसल्स दैट वॉज फाउंड आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं दे वॉज सम फॉसल फाउंड इन चैट दे वॉज सम इन केनिया एंड ये आपके रामिडस थे ये भी आपको केनिया में मिले आ, मिले थे सो so, ये कुछ फॉसल्स हैं जो पाए गए थे ड्यूरिंग द मायोसिन एंड प्लेसिन ट्रांजिशन पीरियड और राइट अदर बायोपेडल प्रमिट्स फ्राम द प्लेसिन इंक्लूड द केनियो थ्रापर्स प्लायोटस आप ये लिख सकते हैं देन एस्ट्रालोपिथिक्स एस्ट्रालोपिथिक्स के बारे में आगे पढ़ेंगे विल गेट इन टू डिटेल कि वो क्या थे कैसे थे और ये सारे आपके बायपेडल प्रमेट्स थे हमने प्लेओसिन एक्सिन ऑलिगोसिन मायोसिन एंड पिलोसिन के बारे में देख लिया है नाव विल मूव ऑन टू द क्वाटरनरी एपोचेस और राइट सी क्वाटरनरी में आपके बहुत ज्यादा um, ऐसे फॉसल्स नहीं हैं जो आपको मेंशन करने हैं सबसे इसमें एक मैंशनेबल uh, है वॉज गिगैंथोपैथिकस गिगैंथोपेिकस एज यू कैन सी ऑल दो ये असली का गिगैंथोपैथिकस नहीं है ये एक उसके स्ट्रक्चर uh, को बनाया गया है बाय द साइंटिस्ट इट सेल्फ सो ये आप देख सकते हैं ह्यूमन के कंपेरिजन में दे वर लाइक सो लार्ज एंड ह्यूज और सो ये आपको सदन चाइना में मिले थे एंड दे वर फ्रॉम दी And where is this Pleostecine Ipoch? Pleostecine Ipoch आपको यहाँ पे मिलेगा क्वाटररी का पहला वालास ऑफ पोंगो द जेनस दैट कंटेन लिविंग ओर एंगटन सी पोंगो एंड होमेनॉइड ये आपको एक डिफरेंस पता होना चाहिए पोंगो uh, एक uh, जो कंटेन करता है वो ओरेंगट से रिलेटेड है और जब हम होमिनीड्स की बात करते हैं दे आर रिलेटेड टू ह्यूमन जब हम होमिनाइडीज की बात करते हैं दे आर रिलेटेड टू द एप्स आई नो देअर माइट बी सम कन्फ्यूजन्स तो हम वो कन्फ्यूजन आगे चल के दूर कर लेंगे डोंट वरी अबाउट इट देन हेलोसिन अपूच की अगर हम बात करें हेलोसिन अपूच में आपको बेसिकली पेलियोलिथिक आइस एज शुरू हो जाता है एंड आज का जो प्रेजेंट uh, डे है दैट इज़ कवर्ड मोर इन दी हेलोसिन अपूच अभी हेलोसिन अपूच ही चल रहा है तो वी आर ऑल लाइक पार्ट ऑफ इट ओके एंड ओनली मॉडर्न ह्यूमन एंड प्रेजेंट क्लाइमेट ये आज का जो प्रेजेंट क्लाइमेट है दैट कम्स अंडर दिस हॉलोसिन अपूच इसलिए इसमें फॉसल्स की अभी हम ज़्यादा बात तो कर नहीं सकते दैट इज़ येट टू बी सीन राइट सो अभी हम uh, जितनी भी सारी चीज़ें हमने बात की तो अगर आपको ये चीज़ों को छो, uh, छोटे से समराइज करना हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं एक एक करके हम देखेंगे पेलियोसिन अपूच पेलियोसिन अपूच में हैव हाँ यल्टेड uh, फॉजल्स ऑफ डाइवर्स स्मॉल मैमन पॉसिबिली एंड सेस्ट्रल्स रिप्रीमेट्स और राइट right. सो so, हम यहाँ पे अगर देखें पेलियोसिन ऑल राइट इसमें फॉसल प्रेमेट्स आपको दिखे गए थे देन इकोसिन पूछ की बात करें प्रोसीमियम्स लाइक फॉसल अबाउंडेड इन स्ट्राटा डेटिंग फ्रॉम इकोसिन ऑल राइट हमने यहाँ पे ये यह भी देख लिया है हाउ इकोसिन दिस प्रोसीमियम्स देन इफ यू सी ओलिगोसीन ओलिगोसीन में फर्स्ट एंथ्रोपॉइड फॉसल डेट टू मिड टू लेट इकोसिन एंड अर्ली ऑयलोजिन हमने ये भी चीज़ यहाँ पे देखी हुई है लाइक हाउ मंकीज एप्स एंड अदर यू नो एंथ्रोपॉइड के अंदर ही आते हैं मंकीज एब्स एंड ह्यूमन्स ऑल राइट देन टॉकिंग अबाउट द मायोसीन होमिनॉय्स बिकेम वाइड स्प्रेड ड्यूरिंग द मायोसी होमिनॉयट्स हमने देखा कि एब्स फ्लॉरिश कर रहे थे ड्यूरिंग द मायोसीस एंड दे आर द होमिनॉय्स ऑल राइट देन प्लायोसिन के दौरान होमिनिट्स फर्स्ट अपियर इन द प्लायोसिन रिमेंबर अभी अभी हमने बात की थी कि होमिनिट्स के अंदर आपके ह्यूम्स आते हैं और होमिनोइड्स uh, uh, के अंदर आपके एप्स एंड और दूसरे आ जाते हैं सो बेसिकली यहाँ पे इसलिए मैंने ये लगा दिया जिनको भी कन्फ्यूजन हो यू कैन सी दैट होमिनाइडिया के अंदर आप ग्रेट एप्स को इंक्लूड कर लेते हैं जिसके अंदर औरंगटोन गोरेलास चिम्पानजीज ये सारे आ जाते हैं और बेसिकली जो जीनस पोंगो है इसके अंदर बस औरंगटोन आते हैं और राइट right? तो ये कन्फ्यूजन आप दूर कर लीजिएगा एंड होमिनाई के अंदर ह्यूमस और अफ्रीकन ग्रेट्स एप्स को आप इंक्लूड करते हैं और राइट right? अगर हम क्वार्टनरी एपूच की बात करें क्वार्टनरी एपूच में आपके प्लेस्टीन एपूच में बेसिकली एवोल्यूशन ऑफ जीनस होमो ड्यूरिंग द प्लेस्टीन एंड द एक्सटेंशन ऑफ लार्ज मैमल एट द एंड ऑफ द एपूच प्लेस्टी सीन के अंदर आपके आइस ग्लेशियर्स हुआ करते थे प्लेस्टीन के टाइम पे तो उस ग्लेशियर के दौरान ग्लेशियर glacia, ग्लेशिएशन uh, के दौरान जो एक्सटेंक्शन हुआ उसके बाद उसमें बहुत सारे आपके जो एंसेस्टर uh, एंसेस्टर्स ancestor, बोल रहे या फिर आप अर्ली ह्यूमन होमोजीनस बोल रहे वो एक्सटिंक्ट हो गए थे सारे और जितने भी लार्ज मैमल थे उस समय वूली मैमल्स एंड ऑल दो थिंग्स वर अवेलेबल तो वो सारे एक्सटेंशन प्ले ऑस्टीन ऐपूझ के खत्म होते होते हो गया था देन हेलोसिन तक अगर हम आते हैं तो हेलोसिन जो आज का ह्यूमन बींग है सो दिस इज दिस वॉज दिस पर्टिकुलर स्लाइड वॉज जस्ट समरी ऑफ वॉट वी हैव रेड टिल नाउ ओके तो अगर आपको एग्जाम में डिपेंडिंग अपॉन द आंसर और डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन आप इसको या आप डिटेल में दोनों को ही इंक्लूड कर सकते हैं बोथ विल वर्क

सो so, इसी के लिए अगर आपको मान लीजिए आई हैव टेकन दिस जस्ट एन एग्जाम्पल कि मायोसिन होमिनॉय्स को अगर आप बात करें अगर यू आपसे मायोसिन होमिनॉयट्स के बारे में पूछ ले तो यू विल सी कि ओके okay, हमने तो ऐसे किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में पढ़ा नहीं है स्पेसिफिकली तो हाउ यू गोना राइट अबाउट इट और राइट बट यू सी मायोसिन होमिनॉइड्स के बारे में हमने अभी अभी पढ़ा हुआ है मायोसिन होमिनोइड्स आर बेसिकली नथिंग एल्स दैन दंथ्रोपॉइट्स दैट इवाल्व ड्यूरिंग द मायोसिन पीरियड सॉरी इपूच सो मायोसिन इपूच में एप्स फ्लॉरिशेज एंड एप्स आर बेसिकली वॉट दे आर द एंथ्रोपॉइट्स ऑलराइट right. और एंथ्रोपोइड से ही आपके होमिनॉइड्स फॉसिल्स निकल के आए थे अलग-अलग लाइक ग्रेट सेप्स उसके अंदर आ जाते हैं ह्यूमंस भी उसी के अंदर आते हैं और उस टाइम पे ऐसा क्यों हुआ बिकॉज ऑफ ए चेंज इन इन्वायरमेंट बिकॉज जैसे जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन फेवर करेंगे वैसे वैसे एवोल्यूशन ऑफ लाइफ होगा तो अगर आप उसको एक इस पर्टिकुलर डायग्राम से भी शो कर देते हैं बिकॉज आपने जोग्राफी में पढ़ा होगा हाउ द टैथिस एंड द ऑल एवोल्यूशन टू प्लेस ऑफ द अर्थ कि कैसे कैसे धीरे धीरे अर्थ की मूवमेंट हुई टेक्टोनिक प्लेट्स की एंड आज के डेट में जो आप प्रेजेंट डे दे, अर्थ देखते हैं वो सॉरी uh, जो अर्थ अफकोर्स द अर्थ देखते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट्स वगैरह वो आज की डेट में वैसी नहीं थी आज से हज़ारों साल पहले तो अगर आप इस चीज़ को uh, शो कर देते हैं यूजिंग द जियोलॉजिकल टाइम स्केल एंड द टेक्नोनिक प्लेट मूवमेंट और लाइन बाई लाइन आप उसको एवोल्यूशन ऑफ़ द फॉसल भी बता देते हैं तो यू विल बी एबल टू मेक अप अ वेरी गुड आंसर ठीक है तो, answer, तो ये स्ट्रक्चर आप एक बार फ्रेम कर ले तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा इस आंसर को फ्रेम आउट करना और राइट right. सो so, एज़ यू कैन सी कि टेम्पररी क्लाइमेट हो रखा था उस समय पर मायोसिन पर तो ये सारी चीज़ें आपको इंटर रिलेट करनी होंगी ऑल राइट देन यू विल बी एबल टू आंसर एनी क्वेश्चन दट इज़ यू पी एस सज गोइंग टू आस्क बिकॉज ऑफकोर्स वी नो कि यू पी एस सी सिलेबस के बाहर तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा सिलेबस के अंदर ही होगा तो उस सिलेबस में ही आप कैसे एग्जॉस्टिव कवरेज कर सकते हो इट्स अप टू यू ऑल राइट सो आई होप यू इंजॉय टू डे इस लेक्चर आई एल बी कमिंग अप विद द नेक्स्ट लेक्चर वेरी सून थैंक यू सो मच